Everyone, this is Dr. S.K. Singh, and today we will discuss about blood grouping and blood transfusion reactions. आपको पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये 11th का भी टॉपिक है, 12th में भी है ब्लड ग्रुप, और मतलब नीट, एम्स, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो ब्लड ग्रुप से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कुछ भी ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा दावा है 100%. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें तो ज़रूर आप सीखेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके इस वीडियो के नीचे रेड बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर जस्ट क्लिक करना है, और उसके साथ में एक बेल होगा, उस पर भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो ये बहुत ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इस चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं आई एम श्योर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप से. तो आइए देखते हैं, जो ब्लड ग्रुप होता है इन ह्यूमन बींग, ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ प्रेजेंट. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा. यानी हमारे पूरे ह्यूमन बींग में चार टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ. और जो सबसे पहले जो कंसेप्ट है ब्लड ग्रुप का, आखिर किसने डिस्कवर किया, तो लैंड स्टाइनर एंड वेनर ने सबसे पहले इसे कंसेप्ट को दिया. तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको ब्लड ग्रुप अच्छे से समझना है तो ये चार्टिंग इंपॉर्टेंट है. तो हमारे चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन बींग में, ए, ए बी, ए बी और ओ. तो एंटीजन एंटीबॉडी अभी बताता हूँ मैं. तो जो भी एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है. सपोज़ मेरा, मेरे आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप बी होगा. अगर मेरे आरबीसी के ऊपर ए बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ, ए बी होगा. अगर कुछ भी नहीं है तो ओ होगा. और जस्ट इसके अपोजिट, अगर ए है तो स्मॉल बी होगा, बी है तो स्मॉल ए होगा. इसमें कुछ भी नहीं होता और इसमें दोनों ही एंटीबॉडी होते हैं. और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जीनोटाइप. इसमें जीनोटाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ई है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा. तो इसका जीनोटाइप अगर हम निकालें तो ए का लिखते हैं आई ए ऑब्लिक आई ए स्मॉल आई, बी को लिखते हैं हम आई बी ऑब्लिक आई बी स्मॉल आई, और ए बी को लिखते हैं हम आई ए आई बी, और ओ को लिखते हैं हम स्मॉल आई स्मॉल वाई आई. तो अगर आपको अच्छे से ब्लड ग्रुप समझना है तो ये चार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बारे में मैं एलोबरेट करूँगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इस वीडियो को आपके लिए नीट क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बता रहा हूँ जो इंडियन है, बट मेरे कुछ स्टूडेंट फॉरेन के भी हैं. तो मैं अभी इसी से रिलेटेड कुछ पब्लिश भी करूँगा जो कुछ कंसेप्ट बेसिस पे होगा, नॉट फॉर द नीट क्वेश्चन, नॉट फॉर द 11th क्वेश्चन. सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. तो आइए देखते हैं. सपोज़ मेरा ये आरबीसी है और आरबीसी का शेप बाइकनकेव होता है, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है और अंदर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होता है. अगर आप ये बात समझ गए तो बहुत ब्लड ग्रुप आसान हो जाएगा. तो ये एंटीजन कुछ भी नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा के अंदर होता है. सपोज़ कोई ह्यूमन बींग है, सपोज़ ये राम है, कोई भी ह्यूमन बींग है, और इसका, इनका ब्लड ग्रुप ए है. इसका मतलब ये हुआ कि इनके आरबीसी के सर्फेस के ऊपर ए है और अंदर स्मॉल बी है, जैसे मैंने अभी बताया था. अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, सपोज़ मान लो कि ये फीमेल है कोई एक्स वाई जेड, और इनका ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी होगा और अंदर स्मॉल होगा, अपोजिट होगा. तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ब्लड ग्रुप, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए बी है और अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लाज्मा में कुछ भी नहीं है. तो आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आता है कि इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप हाउ मेनी फिनोटाइप एंड हाउ मेनी जीनोटाइप इज प्रेजेंट. बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है. AIPMT इज सेम एज नीट, कोई डिफरेंस नहीं है. तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फिनोटाइप दैट इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ए बी और ओ चार फिनोटाइप हो गए. और जीनोटाइप ए को हमने ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल आई ए ऑब्लिक आई ए स्मॉल आई, तो इसके दो हो गए.
फिर बी को हम एक्सप्रेस करते हैं आई बी ऑब्लिक एस आई बी स्मॉल आई, और ऐसे तो इसे काउंट करेंगे तो 6 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है और आया हुआ है। तो आइए देखते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं, और मेरे हॉस्पिटल में भी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बहुत ही कॉमन है। बिकॉज ट्रांसफ्यूजन किसे ज़रूरत हो सकती है, जो सीवियर इनेमिक हो, सीवियर जॉन्डिस वाले पेशेंट हो, थैलेसीमिक हो, तो उन्हें पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में भी हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड देखते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड वॉज गिवन बाय द वेनर। वेनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था। उन्होंने एक रूल कहा था, ये रूल को आपको याद कर लेना है, 2 लाइन का है। एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद द एंटीजन ऑफ डोनर ब्लड इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। मतलब डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से रिएक्शन होता है। एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। सपोज मान लो ये कोई डोनर है, ठीक है, और ये रेसिपिएंट है, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है और इन्हें ब्लड की ज़रूरत है, तो आपको पता ही होगा ए वाला ए को दे सकता है। मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा है। तो सपोज़ ए है, तो मैंने अभी बताया था कि ए है, इसका मतलब है कि इनके सरफेस के ऊपर ए है और अंदर प्लाज्मा के अंदर बी है। यहाँ पे भी हम रेसिपिएंट की बात करें तो इनके सरफेस के ऊपर ए है और अंदर स्मॉल बी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एंटीजन, ये एंटीजन है हमारा और डोनर है, तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। यानी अगर इनमें हम डालेंगे तो एंटीबॉडी ये है हमारा, तो इनमें रिएक्शन होगा। और एक कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, ए और ए कभी भी सिमिलर नहीं होना। देखिए यहाँ पे बी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल बी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल ए नहीं होना चाहिए, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज किसी का ब्लड ग्रुप है और ये ह्यूमन बींग है, कोई ह्यूमन बींग है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर बी होगा, अंदर स्मॉल ए होगा। और कोई अदर ह्यूमन बींग है, इसका भी बी है, तो इसका मतलब होगा इसके भी सरफेस के ऊपर बी होगा, अंदर ए होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल एंटीजन ऑफ डोनर, इसे मैं अगर डोनर बना दूँ, इसे मैं अगर डोनर बना दूँ, तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। ये मान लो इसे मैं रेसिपिएंट बना दूं, तो देखिए सिमिलर नहीं है, बी और ए डिसिमिलर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ऐसे दूसरा एग्जांपल और हम देख सकते हैं कि सपोज मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब हुआ इसके सरफेस के ऊपर ए बी है और अंदर कुछ भी नहीं है। और किसी का सपोज बी है, तो इसके सरफेस के ऊपर बी होगा और अंदर स्मॉल ए होगा। तो क्या हम इसका ब्लड इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आराम से डाल सकते हैं। ए वाला का भी ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर ए है और अंदर बी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल एंटी, इसे मैं अगर वो बना दूँ, डोनर बना दूँ, और इसे मैं रेसिपिएंट बना दूँ, तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो नो रिएक्शन। इसलिए हम ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कुछ है ही नहीं। समझ पाएंगे आप? सो देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है, उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज होती नहीं है प्लाज्मा के अंदर। अब ऐसे ही ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ को, तो ओ का ब्लड ग्रुप बनाए तो इसके सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है और अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो सपोज़ कि कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब है कि इसके सरफेस के ऊपर ए है, अंदर स्मॉल बी है। तो रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। तो कोई एंटीजन है ही नहीं इस सरफेस के ऊपर, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर मान लो कि ओ वाला, ये ओ है, ओ वाला बी को देना चाहे, आराम से दे सकता है, क्योंकि बी के ऊपर कैपिटल बी होगा, इसके अंदर स्मॉल ए होगा, एंटीजन बी होगा, स्मॉल ए होगा। तो एंटीजन ऑफ डोनर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये यूनिवर्सल डोनर है, तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। कोई एंटीजन है ही नहीं तो नो रिएक्शन। तो ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो ये किसी को आराम से दे सकता है और कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता है।
तो देखते हैं एंटी जो ब्लड ग्रुप ओ है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन नहीं होता. एंटीजन इज नथिंग बट इट इज़ अ ग्लाइको प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी. तो एंटीजन नहीं है इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर. तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. क्वेश्चन है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कंसिडर द यूनिवर्सल रेसिपिएंट. तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप ए बी का लिख लीजिए. अगर हम ए बी इसने बोला है तो इसके सरफेस के ऊपर ए बी होगा और अंदर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आर बी सी, बिल्कुल सही बात है, बट नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, बिल्कुल सही है, ए सही है. फिर हम दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आ गया जबकि एंटीजन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया हमारा. नो एंटीजन ऑन द, नहीं एंटीजन तो है ही है तो ये भी गलत हो गया. बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा, नॉट प्लाज्मा, ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया. और नो एंटीबॉडीज तो होगा ही, ये तो सही है बट इसने प्लाज्मा लिख दिया तो ये गलत हो गया. और ये क्वेश्चन जो है ये ए आई पी एम टी में आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है और रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है इन ईबीओ सिस्टम जो कि ह्यूमन बीइंग में होता है, इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, बोथ एंटीजन किस पे होता है, ए बी पे होता है, दोनों एंटीजन ए और बी है, बट नो एंटीबॉडी, कुछ भी एंटीबॉडी नहीं होता है, द ब्लड ग्रुप विल बी, ऑब्वियस है ए बी, क्योंकि इसमें एंटीजन भी होगा एंटीबॉडी भी होगा, एंटीजन भी होगा. अगर हम बी देखें तो इसके एंटीजन बी होगा, अंदर स्मॉल बी ए होगा, तो एंटीजन भी है एंटीबॉडी भी है, बस इसने बोला है कि नो एंटीबॉडी, तो सिर्फ जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता वो ए बी है, और ये भी ए आई पी एम टी का क्वेश्चन आया हुआ है. तो आइए देखते हैं ये क्या होता है सीरोलॉजी. ये एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है. सीरोलॉजी का मतलब होता है कि जो एंटीजन होता है ब्लड का और एंटीबॉडी होता है ब्लड का उसमें रिएक्शन हो, दैट इज़ कॉल्ड सीरोलॉजी. ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे उसमें भी, बैक्टीरिया वायरस के केस में भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो उसमें भी होता है, बट ब्लड में जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड सीरोलॉजी. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और उनके वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, तो पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है. तो ये तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है. एनसीईआरटी अगर आप पेज नंबर 94 देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मिल जाएगा, और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है तो इसलिए एआईपीएमटी वाले ने, नीट ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है. तो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है और बेसिक कंसेप्ट जानना कितना इंपॉर्टेंट है. तो आइए क्वेश्चन करते हैं. सपोज ये हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है, तो ये मेल है, तो इनका ब्लड ग्रुप ए है, तो हम इनका पहले सबसे पहले जीनोटाइप लिखते हैं, आई ए ऑब्लिक आई ए स्मॉल आई. इनके वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है तो ये फीमेल है, तो इनका ब्लड ग्रुप लिखते हैं आई बी ऑब्लिक आई बी स्मॉल आई. जब भी हम क्रॉस कराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्लिक के बाद वाले चीज़ को हम कंसिडर करते हैं, जैसे ये वाला. तो एक तरफ मैं इसे लिख देता हूँ आई ए स्मॉल आई जो इनके हस्बैंड का है, और एक तरफ वाइफ का लिख देता हूँ आई बी स्मॉल आई. तो इसे क्रॉस कराता हूँ आई ए आई बी, इसे क्रॉस कराता हूँ आई बी स्मॉल आई, इसे क्रॉस कराता हूँ आई ए स्मॉल आई, और इसे क्रॉस कराता हूँ स्मॉल आई. तो आप बता पाएंगे आई ए आई बी, ए ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो गया, आई बी स्मॉल आई ब्लड ग्रुप बी होगा, ए आई ए स्मॉल आई ब्लड ग्रुप ए हो गया, और ये जो हमारा स्मॉल ए ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया. तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए बी बनने की प्रोबेबिलिटी है, बी बी है, ए बी बी है और ओ बी बी है. तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं. चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप ओ द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी. इनमें से ये जो चार ऑप्शन है, अगर मान लो कि ये ऑप्शन में करूँ तो ये पेरेंट्स नहीं हो सकते, मान लीजिए ये है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है. तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ये है तो क्या ये पेरेंट्स हो सकता है, तो करके देखते हैं. आई ए, ए को हम कैसे लिखते हैं, आई ए ऑब्लिक आई ए स्मॉल आई, और बी को हम कैसे लिखते हैं, आई बी ऑब्लिक आई बी स्मॉल आई. तो हम क्रॉस करेंगे तो ये ऑब्लिक वाला कंसिडर करेंगे, ऑब्लिक वाला कंसिडर करेंगे तो इसमें आई ए स्मॉल आई आ जाएगा और इधर बी वाला आ जाएगा आई बी स्मॉल आई आ जाएगा. तो इसे क्रॉस करेंगे तो आप ये देखिए स्मॉल आई है, तो यहाँ पे क्रॉस होगा तो ये तो ओ हो जाएगा, तो
ये पेरेंट्स हो सकते हैं, ये पेरेंट हो सकता है, ए भी हो सकता है क्योंकि इसमें ए ए है, तो उसमें भी अगर हम ये दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें ए ए है, तो आई ए ओब्लिक i a small i अक्रॉस विथ यही i a ओब्लिक i a small i, तो आप इसे क्रॉस में लेंगे तो इसमें भी स्मॉल आई है, तो आराम से ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। बट इस वाले कंडीशन को देखते हैं, इस वाले कंडीशन को देखेंगे तो ए ए बी को हम लिखते हैं एक तरफ, i a i b लिख दिया और ओ को हम लिखते हैं स्मॉल आई, इन दोनों से क्रॉस किया, तो इसमें आप देखेंगे ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए है और ये बी है, तो इसमें ओ का आने का चांस ही नहीं है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, और जो भी इंक्वायरी हो आपको ब्लड रिलेटेड से तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा उनका। और मैं RH फैक्टर डालने वाला हूँ और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं, क्योंकि मैंने खुद MBBS एंट्रेंस दिया है और आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप जो सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, मैं आलतू फालतू की चीज़ों को अपलोड नहीं करता हूँ। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों का हेल्प करें ताकि आपका हेल्प हो। थैंक यू सो मच।